हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वक्रांगी लिमिटेड कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, इस कंपनी की शेयर प्राइस 26.90 रुपये है और आज के दिन 8% की तेज़ी हमें देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 1 महीनों में 16% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में 27% के नेगेटिव रिटर्न, ईयर टू डेट में 38% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 43% के नेगेटिव रिटर्न, 5 सालों में 87% के नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 675% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो चलते हैं, पहले हम बात करेंगे कंपनीज के टेक्निकल पर, फिर हम बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि हम चार्ट ओपन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी गिरावट होने के बाद आज हमें काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो इस स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑल ओवर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 70 रुपये का, क्योंकि 70 रुपये का रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये 70 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक में मेजर तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, फिर ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागते हुए भी देखने को मिलेगा। बट अगर ये 70 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो ये इसी रेंज में यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, यानी 30 रुपये से लेकर 60-70 रुपये तक देखने को मिलेगा। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आप यहाँ थोड़ा एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर अब इस स्टॉक में वापस तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार भी यही सपोर्ट लेकर ये वापस बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम को ओपन करना है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं वो यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले, और वीकली टाइम फ्रेम पे यही सपोर्ट लेकर ये वापस बाउंस बैक कर रहा है। अगर ये स्टॉक इस कैन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 38-40 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो ऑल ओवर टारगेट 45 रुपये, देन 60 रुपये हमें देखने को मिलेगा। बट आपका जो अब स्टॉप लॉस है यहाँ पे 20 रुपये देखने को मिल रहा है। 20 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 38 रुपये, 45 रुपये, देन 53 रुपये, देन नेक्स्ट टारगेट 70 रुपये देखने को मिलेगा। बट एक छोटा स्टॉक है, इस स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटीज रहती है, तो अपनी रिस्क को देखते हुए ही इसमें इन्वेस्ट क्वांटिटीज लें। ज़्यादा क्वांटिटीज लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये जो कंपनी है मेनी एक्टिविटीज़ में यहाँ वर्क कर रही है। एक्टिविटीज़ इन ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, व्हीकल लेबल ATM, फाइनेंस सर्विस इंक्लूडिंग बैंकिंग, लॉजिस्टिक सेक्टर इंक्लूडिंग बिलियन एंड ज्वेलरीज, वक्रांगी केंद्र भी यहाँ पे है B2B B2C बेसिस विद द कंपिटेंस हैंडलिंग मैसिव मल्टी स्टेट इन ई गवर्नमेंट एनरोलमेंट प्रोजेक्ट डाटा डिजिटलाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस में कंपनी काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2865 करोड़ का है। स्टॉक का लो 24 रुपये जो हमने टेक्निकल पे देखा, स्टॉक का हाई 50 रुपये। पी की बात करें तो 25.8 है, बुक वैल्यू 25.90 रुपये, डिविडेंट यील्ड 0.37% है। कंपनीज यहाँ पे डिविडेंट भी दे रही है। ROC 5.29% है, ROE 4.10% है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। बात करें यहाँ पे प्रॉफिट्स की तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट काफ़ी शानदार और बढ़ते हुए देखने को मिला, 27 करोड़, 29 करोड़, 30 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी शानदार प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले, 25 करोड़, 71 करोड़, 63 करोड़। अभी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट है 110 करोड़, जो कि पिछले ईयर 63 करोड़ देखने को मिला। बैलेंस शीट में रिजर्व की बात करें तो कंपनीज के रिजर्व भी कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 2558 करोड़ एंड 2642 करोड़ के। ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है। जब भी कंपनीज डेप्ट फ्री होती है और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। बात करें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक्स है 42% का। FIS ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 8% का। DIS की बात करें तो 6%
का स्टेक्स यहाँ पे DIS के पास है। पब्लिक होल्डिंग 42% हमें देखने को मिली है, यानी ऑल ओवर कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो बस आपको पेशेंस रखना होगा, होल्ड रखना होगा, तभी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।